नशे से आजादी पखवाड़े के तहत पुलिस महकमे द्वारा जिला मुख्यालय नाहन में एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के जरिए शैक्षिक संस्थानों के छात्रों ने लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। ऐतिहासिक चौगान मैदान से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको जिला पुलिस अधीक्षक सिरमौर रोमापति जम्वाल ने हरी झंडी दिखाई। SP सिरमौर रोमापति जम्वाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाता है, जिसको देखते हुए सिरमौर पुलिस 26 जून तक नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। SP ने कहा कि पुलिस मुख्य रूप से नशे के सौदागरों की धर पकड़ कर करती है, मगर अब नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए पुलिस द्वारा लोगों को नशे के प्रति भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। हम 12 तारीख से लेकर 12 जून से लेकर 26 जून तक एक नशे से आज़ादी पखवाड़ा करके मना रहे हैं। उसी सिलसिले में स्कूल के बच्चों का एक रैली का अरेंजमेंट यहाँ पे आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों के बीच में हम इस बारे में जागरूकता लाएं कि ये नशा जो है ये किसी के भी हित में नहीं है, बहुत ख़राब है। और मेरी अपील रहेगी बच्चों से भी, अभिभावकों से भी, कि अगर कोई बच्चा इस दिशा में चला जाता है, वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ना जाए, पर अगर चला जाता है तो उसकी सूचना दें, पुलिस को सूचना दें या उसका इलाज कराएं, उसको डी एडिक्शन सेंटर में लेके जाएं। और ये छुपाने वाली चीज़ नहीं है, अगर कभी भी कोई ऐसा सामने को वाक्य आता है तो उसके लिए तुरंत जो है पुलिस को सूचना देनी चाहिए। ये सही है कि हम पुलिस का काम जो है मेनली हम डिटेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम पकड़ते हैं जो ड्रग्स के कारोबार करते हैं लोग या ड्रग की सप्लाई करते हैं, उन लोगों को पकड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम इस बात पे भी जोर लगाते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो अब देखा जा रहा है पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड, कि उनको हम बचाएं, कोई भी बच्चा जो है नशे की तरफ ना जाए। उसी सिलसिले में हमने आज का ये आयोजन किया है।